एमपी में तेज गर्मी के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिनों तक गरज चमक के साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 2-3 दिन तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ की तरफ से एक चक्रवात के साथ एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके साथ ही राजस्थान की तरफ से भी एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में बारिश होने की संभावना है। राजधानी भोपाल में भी बारिश के साथ ओले गिरने के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। शनिवार की सुबह से ही हल्के बादल हैं, लेकिन इसके बावजूद धूप और तपिश देखने को मिल रही है। अभी देखा गया तो ना नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर एक साइसर है और एक विंड डिस्कंटिन्यूटी बहुत दिनों से चालू है, वो अभी भी मध्य महाराष्ट्र से साउथ की तरफ है। और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, मतलब वेस्ट यूपी से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वहाँ से एक ट्रफ भी है ईस्ट की तरफ टुवर्ड्स आसाम मूव हो रहे। और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर अभी आने, मतलब आज रात और कल से शुरू होगा। तो ये कंडीशंस में हमने देखा गया तो मोस्टली काफ़ी जगहों में मध्य प्रदेश के स्पेशली साउथ ईस्ट एमपी और सेंट्रल एमपी में बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म का चांसेस है। तो हमने हेलस्टॉर्म वार्निंग साउथ ईस्ट एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में दे रही है, जैसे बालाघाट, शिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, वो रीजन में हेल का काफ़ी चांसेस है। और वेस्ट एमपी में भी नर्मदापुरम, बैतूल, वो रीजन में भी हेल का चांसेस है। और लगभग देखा गया तो मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट काफ़ी जगह, मतलब मोस्ट रीजन में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड्स का चांसेस है अभी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।